Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Neha Jurel. If you subscribe to my channel. Subscribe, subscribe, subscribe to my channel and join this beautiful, lovely YouTube family. So in today's video, I'm going to show you what I got from. Amazon. So मैंने काफी सारी haul videos बनाई हैं. If you are new here, if you don't know that I, I do so many haul videos, then do subscribe to my channel, right now, and enjoy so many haul videos. मतलब मैंने अलग से playlist भी बना रखी हैं. Haul videos की Nike haul videos की एक अलग है, haul की अलग है, यार so, yeah, so many haul videos. So आप जाके check कर सकते. So so मैं बहुत बोलती हूँ. तो यहाँ पर हमारे पास है कुछ आइटम्स फ्रॉम एमजोन सो लेट जस्ट ओपन दैम एंड देखते हैं कि मैंने क्या खरीदा है सबसे पहले मेरे हाथ में यही आया बॉक्स तो मैंने यही उठा लिया तो सबसे पहले बात करते हैं इस बॉक्स की ये है हमारा होम डेकोर का सामान एक्चुअली मैं होम डेकोरेट के लिए तो मैंने नहीं मंगाई मैंने अपने बाथरूम के लिए मंगाया बिकॉज माई बाथरूम हैव सम काइंड ऑफ नॉट ट्रांसपेरेंट मिरर्स बट मिरर्स नहीं है मतलब दे आर लाइक शीशे शीशों को क्या बोलते हैं आई नो जो भी है बट वो ट्रांसपेरेंट है तो उसके लिए मैंने ये मंगाया ताकि मैं अंदर से लगाऊँगी मुझे अंदर से गंदा भी नहीं लगेगा और बाहर वालों को भी कुछ दिखेगा नहीं मतलब तो दिखता तो कुछ नहीं है बट थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी इफेक्ट जो दिखता है वो भी नहीं चाहती हूँ मैं सो आई गॉट दैम आई ओं नो की मेरे को परमीशन मिलेगी न लगाने की या नहीं मिलेगी बट मैंने ये मंगा लिया, तो तो ली है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएंगे एंड इसमें आपको अलग सिल्वर भी मिलता है रेड भी मिलता है मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वहाँ पर अमेज़ोन पर आप जाके चेक करोगे तो बट uh, मुझे गोल्डनी चाहिए थे और मुझे लगता है कि ये थोड़े बड़े हैं साइज में भी तो इट्स आई नथिंग एल्स सो सेकेंड थिंग वन ऑफ माई फेवरेट मतलब पूरे हॉल में कह सकते हैं ये मेरी फे, फेवरेट चीज़ होने वाली है क्योंकि मैंने इसे यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया आई एम सो सॉरी गाइज मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ वैसे तो हॉल वीडियो बनाने से पहले यूज़ करना चाहूँ ना कभी नहीं करती हूँ बट दिस टाइम आई कट रेजिस्ट माई सेल्फ क्योंकि ये इतना क्यूट है इतना प्यारा है एंड मुझे लिखना इतना पसंद है एक्चुअली मैं चाहे वो मैं चीज़ करूँ अगले दिन ना करूँ वो अगले दिन की बात है बट <laughs> लेकिन मुझे लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मतलब मुझे लिखना पसंद है कि मुझे कल क्या करना है या आज क्या हुआ या वट आई एम ग्रेटफुल फॉर एनी थिंग लाइक वट आई हैव टू डू सो दिस इज़ अ प्लानर दिस इज़ अ डेली प्लानर एक्चुअली सो कुछ uh, इस तरीके का प्लानर है ये वेट अ सेकेंड मी जस्ट शो यू गाइज आई होप यू गाइज कैन सी दैट सो so, इसमें ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं ये थोड़ा शाइन कर रहा है इसके पेजेस भी सेम टू सेम है मैंने यहाँ पर कुछ देखो लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं इसमें बट आपको कुछ इस तरीके का प्लानर मिलता है ये तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है एंड यहाँ पे आपको क्या आपको करना है ये टू डू लिस्ट है यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं एंड मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट इवनिंग ऑब्वियसली एंड देर इज़ ऑल्सो अ मिनी शॉपिंग लिस्ट है और यहाँ पे छोटे फलाना ढिमका एंड दे आर नोट्स एंड ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सी दिया यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है आई होप यू गज कैन सी दैट एंड यहाँ पे डॉट्स है आप जितनी बार पानी पीते हो उतनी बार ये डॉट लगा दो काइंड ऑफ फन टू डू इट आई डोंट नो आई आई नो आई एम जस्ट मैं अभी ऐसा जैसा साउंड कर रही हूँ कि छोटी बच्चों जैसी बातें कर रही है बट मुझे ये पसंद है <laughs> और जो मुझे पसंद है वो चीज़ मैं करती सिंपल एस डैट क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी होती है मतलब तो मुझे अच्छा लगता है मतलब आई रियली वॉन्टेड अ प्लानर मैंने एक और प्लानर मंगाया है वैसे अमेजोन से अगर मैंने दोबारा हॉल की तो मैं जरूर दिखाऊंगी वो आई गेस मैं करूँगी ऑब्वियसली क्योंकि मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ मैं हॉल वीडियो ज़रूर बनाती हूँ सो इट्स काइंड ऑफ हर कुछ तो नहीं बना पाती हूँ बट हाँ मोस्टली चीज़ें तो बना ही देती हूँ हॉल में दिखाई देती हूँ आप लोगों की मैंने क्या खरीदा है सो इस पोर्टली में से निकालते हैं इसमें क्या है एक्चुअली मैं इनका भी अलग अलग बॉक्सेस आए थे बट मैंने एक ही पोर्टली में डाल दिया कौन से लेके घूमता ओके तो फर्स्ट थिंग आई हैव इज़ दिस माउस का पैड तब मंगाया था जब मैं सोच रही थी, थी कि मैं एडिटिंग लैपटॉप पे सीखूंगी बट मुझसे हुआ नहीं मैं एक्चुअली एडिटिंग नहीं सीख पाई आई एम रियली बैड एट दैट चलो चलता है बट आई गॉट दिस क्यूरी एंड इस पर लिखा है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड इट सो आई गॉट दिस फॉर जब मुझे चस्का चढ़ा था कि मुझे एडिटिंग सीखनी है ठीक है मैं सीख लूँगी थोड़ा थोड़ा करके बट अभी के लिए ठीक है सो आई गॉट दिस ब्यूटी वेरीजिंग uh, <laughs> मुझे पसंद आई है काफ़ी ज़्यादा देखने में लगा के कैसे लगेगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है वो अ प्राइमर मुझे लगा था क्रीम है ओके शायद इसे क्रीम की तरह भी लगा सकते हो कुछ खास स्मेल तो है नहीं मुझे समझ मतलब मुझे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ फ्रेग्रेंस है पता नहीं मैं अपनी सांस की रोक रही हूँ स्मेल करते वक्त आई डोंट नो बट अच्छी है बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है तो आई नेक्स्ट थिंग इज एट दिस जस्ट ओपन इट क्विकली क्योंकि आप लोगों को काफी आवाज आई है मुझे भी काफी आवाज आ रही है दिस इज अम मेकअप ब्रशेज रिमूवर मेकअप ब्रश 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 पता नहीं जिससे मेकअप ब्रश साफ करते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी एक है एंड दिस वन दिस इज अ मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट आपको यहाँ दिख जाएगा मैं एकदम से ब्लैंक हो गया मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ मैं क्या बोलना बोल चाहती हूँ मेकअप ब्रश रिमूवर क्या होता है भाई दिस इज हाउ इट लुक्स इट हैज सम समय आई हैव ब्रश है तो मैं से अगर रिपेट करूंगी तो ये साफ होगा आई होप आप लोग समझ रहे हो कि, कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ ओके सो वी हैव दिस क्यूरी हेयर मिस क्लेयर की मैट ए पर्ली ग्लॉस एंड दिस इज़ हाउ इट लुक सो टाइनी इट सो क्यूट बट कलर मुझे कुछ खास इसका पसंद नहीं आया सच बताऊँगा तो. मैंने तो ले लिया बस ऐसे ही मैं तो कुछ भी ले लेती हूँ बट मुझे अपने ऊपर लगा के अच्छा लगा अभी मैंने कुछ लिपस्टिक लगाई हुई है सो लेट मी जस्ट ऑरेंजिश यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ आपको अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है मुझ पर तो कैमरा <laughs> पे मुझे लगता है ये न्यूड लगा आई डोंट नो कैसे दिख रहा है बट इन रियल ये काफी ज्यादा ऑरेंज है इसका शेड नंबर है पॉप आई स्टाइल लाइनर एट आर स्टे ओपन एट दिस इज हाउ इट लुक्स सो टाइनी सो प्रिटी आई डोंट नो ये कैसा लगेगा वेट लम सॉच इट फॉर यू गाइज एक बार तो देख ही लेते हैं कि कैसा है इसका ब्रश काफ़ी अच्छा है टिप जो है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बहुत जल्दी ड्राई हो गया वैसे तो बट इट इज़ शाइनी मैं इतनी फैन नहीं हूँ शाइनी लाइनर्स की मे बी आई यूज़ इट मतलब मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ मैं उसको यूज़ तो कर ही लेती हूँ एंड ऑफ द डे मुझे पसंद नहीं आया बट ठीक है कोई बात नहीं तो वी हैव दिस लास्ट बॉक्स फ्रॉम आर हॉल तो ये भी चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ सबसे बढ़िया चीज विच इज दिस अरब अरबा मैक लिखा हुआ है इसके बॉक्स पे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मैक और एंड मैक का मैक लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू गाइज सब मिलते हैं इसमें पाँच ब्यूटी ब्लाइंड दे आर नॉट वेरी गुड क्वालिटी इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव सो या इससे और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं कुछ हैं जो काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं बट दिस वन दिस वन इज सो वियर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बस मुझे स्पंज काट के दे दिया है आई डोंट नो हाउ विल दॉक दिस वन इज़ वेरी सॉफ्ट वेरी सॉफ्ट दिस वन इज लिटिल हार्ड डैन दैट एंड दिस इज ऑल्सो हार्ड दिस वेरी हार्ड मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट यस दिस इज़ हार्ड सबसे ज्यादा सॉफ्ट एक ही है विच इज दिस वन बट ये दोनों दिज टू आर सो बैड इनका टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा गंदा है भाई बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रहे हैं मेरे को ये दिस वन दिस वन इज़ सो क्यूट आई लाइक इट दिस इज वेरी सॉफ्ट सो आई हैव दिस ह्यूज पॉन्ट्स क्रीम एंड दिस इज लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील इस तरीके का डब्बा है ये मैं जेल वाला मंगा रही थी ये गलती से ऑर्डर हो गया है बाय द वे नो दैट्स अ जेल जो कंसिस्टेंसी में आता है मुझे वो चाहिए था ना कि क्रीम वाला बट मैंने गलती से ये वाला ऑर्डर कर दिया तो ठीक है मैं तो यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे या मेरे घर पे भी यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ मैंने ये वाला भी यूज़ किया जेल वाला भी यूज़ किया बट मुझे जेल वाला ज़्यादा पसंद है बट ठीक है सो आई नेक्स्ट थिंग दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज मतलब मुझे ब्रशेज काफ़ी चाहिए होते आई वॉन्ट कि मेरे पास ब्रशेज होच अच्छे कंपनीज़ के भी चाहिए लाइक आई रियली वॉन्ट टू गो विद पी ए सी क्योंकि पी एस सी के ब्रशेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आई गॉट दीज दीज आर वेरी चीप यू आर जस्ट बिगनिंग योर मेकअप सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बिकॉज दीज आर वेरी चीप और मुझे लगा ये ठीक भी हैं मतलब फॉर सम टाइम्स बिकॉज दे हैव रियली नाइस ब्रिसल्स और ऊपर से ये चुभ नहीं रहे हैं सॉफ्ट है हाँ थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाँ ये है जीप तो क्वालिटी वाइज इतने भी बहुत ही बढ़िया नहीं है बट बहुत ही बकवास भी नहीं है बट सेकेंड थिंग ये है आई शेडो ब्रशेज काफी ज़्यादा मिल जाएंगे सो दिज ऑल आर आई शेडो ब्रशेज आपके आईज के लिए काम आएंगे दीज आर सो नाइस दिस वन इज लुकिंग आई डोंट नो बहुत ही ज़्यादा ये वाला अलग से नहीं चमक रहा येलोइ है थोड़ा सा यहाँ टिप से और ये सब वाइट लग रहे हैं देखते है ओ वाह हमारा सब कुछ सामान खत्म हो गया ये लास्ट प्रोडक्ट है गाइस। दिस इज समथिंग इज मुझे जरूरत थी जिसकी और मैं ऐसे एक दो और लूंगी दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी बाय द वे कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है काफी क्यूट है इस वीडियो का तो सारा सामान ही बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू वांट टू ट्राई आईब्रो स्टाइलिंग जेल सो इसमें हमें तीन चीजें मिलती है फर्स्ट इज दिस स्पूली आई डोंट नो ये मूड़ी क्यों है दिस क्यूट टाइनी बहुत ही ज्यादा टाइनी है ये बहुत ही ज्यादा बट इसमें प्रोडक्ट काफ़ी सारा है बट ठीक है काफ़ी जल्दी इस्तेमाल भी होगा एंड दिस वन इज़ आई ब्रो रेजर आई डोंट नो इसको देना चाहिए था या नहीं बट ठीक है उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है मैं जस्ट शो यू वन बाई वन दिस इज हाउ द रेजर लुक्स लाइक एंड ये इस तरीके से बंद भी हो जाता है एंड दिस इज दिस मूली विच वी हैव मूली क्यों है द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज़ दिस मेन थिंग बॉक्स में से निकली है दिस इज हाउ द जेल कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक सो दिस इज हाउ आई डोंट नो यू अच्छी क्वालिटी की नहीं है आई डोंट लाइक दिस तो खराब हो गई एकदम बहुत ही अच्छा तो नहीं है बट ठीक ठाक है सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस ये थी मेरी छोटी सी हॉल वीडियो सबसे फेवरेट चीज तो मेरी यही रहेगी नो मैटर व्हाट क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच आई एंजॉय सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई रियली होप दैट यू लाइक दैट And if you like this video, please give this video a big thumbs up. And subscribe to my channel and join this beautiful, lovely YouTube family. Bye.